भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो तीन घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। बहनों वीडियो को पूरा देख करके ही जाना, देख लेना कहां कहां से क्या खबरें इस वीडियो में लगी हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश में महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से एक नया सरकारी आदेश अभी कल ही 12 अक्टूबर को जारी हुआ है। ऐसे में आप सब बहनों को बताना चाहेंगे, सभी जिलों के जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं समस्त जिलों के उत्तर प्रदेश में, उनको इस लेटर में यहां पर बोला गया है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थित जो को लोकेटेड वाले 21,791 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उनके बच्चों के प्रयोग के लिए फर्नीचर में शिशु डेस्क को क्रय करने के बारे में लेटर भेज रहे हैं। तो यहां पर आपको बता दें कि उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि 19/9/2022 और 10/10/2022 को प्री प्राइमरी यूनिट के द्वारा ऑनलाइन मीट के माध्यम से जनपदवार समीक्षा करते हुए यह स्पष्ट किया गया कि शासनादेश संख्या दे दी गई है 22 जून की और 31 अगस्त की, उसमें प्रदत्त फर्नीचर शिशु डेस्क की डिजाइन और विशिष्टीकरण के अनुसार गुणवत्ता परक फर्नीचर शिशु डेस्क का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए। दिनांक 10 अक्टूबर में की गई समीक्षा में अभी यह पाया गया है कि 18 जनपदों जैसे कि झांसी, गाजियाबाद, फरुखाबाद, सिद्धार्थनगर, मऊ, मुजफ्फरनगर, बदायूं, महोबा, कौशाम्बी, जालौन और गोरखपुर, सहारनपुर, बिजनौर, उन्नाव, संतकबीर नगर, पीलीभीत, एटा, इनके द्वारा जेम पोर्टल पर फर्नीचर शिशु डेस्क संबंधी बिड अपलोड की गई है और अवशेष जो जनपद रह गए हैं जिनके ऑल इंडिया ने नाम नहीं लिए हैं, उन जनपदों के द्वारा अद्यतन बिड अपलोड किए जाने की कार्रवाई पूर्ण जो वगैरह नहीं की गई है, जो कि अत्यंत ही खेद का विषय है। तो आपके कर्तव्य के प्रति उदासीनता का घोतक है और इसी क्रम में जनपदों को कारण सहित स्पष्टीकरण राज्य परियोजना कार्यालय को 15 अक्टूबर तक उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है ताकि शिशु डेस्क खरीदी जाए। तो आप देख रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए जो शिशु डेस्क खरीदनी थी, जिसके लिए ऑर्डर बहुत पहले से निकला है, बार बार जो है उस पर ऑर्डर निकाले जा रहे हैं और ऐसे कामों में भी जनपदों के द्वारा लापरवाहियां बरती जा रही हैं और ऐसे में आप देख सकते हो कि किस तरीके से बड़े लेवल पर लापरवाहियां हो रही हैं और यहां पर एक उचित कार्रवाई के निदेशालय में वहां पर जरूरत है। लेकिन आगे देखो भाई क्या होता है। विजय किरण आनंद जी का उत्तर प्रदेश से के लेटर जारी किया गया है जो कि आपने देखा है और आंगनबाड़ी केंद्रों के प्रति यह एक उदासीनता को दिखाता है। अब बात करते हैं गीता त्रिपाठी बहन की जो कि महाराज गंज से आती हैं, जिनके द्वारा एक बहुत ही बढ़िया सी सूचना बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, उनके बैठने के लिए फर्नीचर के क्रय किए जाने को लेकर के उन्होंने जानकारी भरा आदेश भेजा है। इधर बात करते हैं अगले कुछ आदेशों की जो कि आंगनबाड़ी बहनों, आपको बता दें कि उत्तराखंड की जो आंगनबाड़ी बहनें हैं 29 अगस्त को उत्तराखंड में निदेशालय से एक लेटर जारी किया गया है समस्त जिलों के डीपीओ लोगों को और जो कि मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के बारे में है। और तो और यहां पर बता दें आपको कि मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान बाल पलाश योजना के बारे में भी है। और तो और आपको बता दें एक और यहां पर लेटर है मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना की सूचना के संबंध में भी है। तो इन तीन आदेशों के बारे में, वो भी तीन तीन योजनाओं के बारे में आप सब बहनों जरूर जान लीजिएगा। भले ही आप किसी अन्य राज्य से आती हैं लेकिन कोशिश करो कि जान पाओ कि उत्तराखंड राज्य में आखिर ये तीन तरह की जो योजनाएं हैं वो कैसी हैं। अब यहां पर लिखा है महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड के शासन के आदेश जो कि 12 अगस्त का, उसके क्रम में निर्देश दिए गए कि मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के अंतर्गत जब से संचालित हुई है तब से निदेशालय द्वारा अद्यतन तक आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को स्वास्थ्य वर्धन के लिए सप्ताह में 4 दिन दूध उपलब्ध कराया गया है। इसकी सूचना उपलब्ध कराई जानी है, साथ ही भविष्य में आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले 3 से 6 साल के बच्चे कितने बच्चों को स्वास्थ्य वर्धन हेतु सप्ताह में
चार दिन दूध उपलब्ध कराया जाएगा। उसकी भी सूचना प्रत्येक माह की 5 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। आपको निर्देशित किया जाता है कि मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना जब से संचालित हुई है तब से अद्यतन तक आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले 3 से 6 साल तक के सप्ताह में जो भी बच्चे हैं उनके सप्ताह में 4 दिन दूध उपलब्ध कराने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर भर करके दो। तो यहां पर प्रारूप भी आया है जिसके लिए डॉक्टर एसके सिंह जी हैं उपनिदेशक उत्तराखंड में, उनका ही ये लेटर है और आप प्रारूप में देख सकते हैं। क्रम संख्या का कालम है, परियोजना के नाम का है, आंगनबाड़ी केंद्र के नाम का है और आंगनबाड़ी केंद्र का पूर्ण जो कोड होता है उसके लिए है और लाभान्वित 3 से 6 साल के बच्चों का पूर्ण विवरण भरा जाएगा जिसमें बच्चे के नाम का कालम और पूरा पता वो भी भरना है, ग्राम वार्ड नंबर मोहल्ला गली स्ट्रीट नंबर जो भी है वो सब भर लेना, आधार नंबर वो पड़ेगा और मोबाइल नंबर पड़ेगा। इस प्रारूप पर सूचना उत्तराखंड में आंगनबाड़ी बहनों आप सबको भर के देनी है अपने 3 से 6 वर्ष वाले बच्चों की जिनको सप्ताह में 4 दिन दूध दिया जाएगा वो भी मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के तहत। वही बात करते हैं अगले वाली एक योजना की जो कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान जिसको बाल पलास जो है पालास लिखा गया है उसके नाम से भी जानते हैं। तो इसमें उनका कहना है कि मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के अंतर्गत जब से संचालित हुई है तब से जो है यहां पर निदेशालय के द्वारा अद्यतन तक बाल पालास योजना के अंतर्गत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को अतिरिक्त पोषाहार के रूप में सप्ताह में 2 दिन केला और 2 दिन अंडा भी उपलब्ध कराया गया है। उनके नाम परियोजनावार आंगनबाड़ी केंद्रवार लाभार्थी का नाम पता आधार नंबर ये सब सहित उपलब्ध कराने की सूचना प्रत्येक माह की 5 तारीख को पहले ही जो है मांगी जाती है। तो आप देख रहे हैं यहां पर 3 से 6 वर्ष के जो आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चे हैं उत्तराखंड में उन बच्चों को सप्ताह में 2 दिन केला जो यहां पर लिखा गया है, देखो सप्ताह में 2 दिन केला चिप्स एवं जो है 2 दिन अंडा ये चीजें लिखी गई है। तो आप देख सकते हैं कि 2 दिन केला ऊपर लिखा गया, अंडा लिखा गया, नीचे लिखा गया 2 दिन केला चिप्स और अंडा ये उपलब्ध कराने के लिए बोला गया है। अनिवार्य रूप से 1 सप्ताह के भीतर सूचना को मांगा गया है। अब नीचे देख सकते हो कि परियोजना का नाम, क्रम संख्या और आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, आंगनबाड़ी केंद्र का पूर्ण कोड और जो बच्चे हैं उनका नाम, पता, आधार नंबर, मोबाइल नंबर ये सब वहां पर इसमें भी भर करके मांगा गया। तो 2 योजनाओं के बारे में आप सबने जाना, अब तीसरी योजना मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना इसके बारे में जान लो। तो 12 अगस्त 2022 के द्वारा निर्देश दिए गए कि मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के अंतर्गत जब से संचालित हुई है तब से निदेशालय द्वारा अद्यतन तक आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत गर्भवती धात्री महिलाओं को सप्ताह में 2 दिन केला, 2 दिन अंडा और 2 दिन दूध ये उपलब्ध कराया गया है। उनके नाम यहां पर आंगनबाड़ी केंद्र वार लाभार्थी वार वो सब यहां पर मांगे गए हैं, वो भी 5 तारीख के पहले हर महीने। अब देखो यहां पर भी इनका कहना है वही सब कालम सेम टू सेम है, बस लाभार्थियों में वहां बच्चे थे, यहां पर गर्भवती धात्री महिलाएं हो गई। अब वहां पर देख सकते हैं यहां पर लिखा गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले जो भी गर्भवती धात्री महिलाएं हैं इनको सप्ताह में 2 दिन केला, 2 दिन अंडा और इस तरह से ये सब चीजें यहां पर दी जाएंगी जिसके बारे में भी वो बोल रहे हैं। तो अब ले चलते हैं आगे आप लोगों को और आपको बताना चाहेंगे इस जानकारी को। सुमन देवी बहन है उत्तराखंड के जसपुर से आती हैं जिनके द्वारा बहुत ही अच्छी जानकारी ऑल इंडिया को भेजी गई। अब बात करते हैं अगली एक जानकारी की जो कि आदेश हमारे पास पहुंचा है, ये डीपीओ महोदय जो मनोज कुमार मौर्य जी हैं आजमगढ़ के, जिनके स्तर का जो है एक ये लेटर है कार्यालय से और ये 12 अक्टूबर को जारी किया गया है। समस्त बाल विकास परियोजना जो अधिकारी हैं आजमगढ़ के इनको बोला गया है कि निदेशक महोदय के द्वारा दिनांक 12 अक्टूबर को समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी उत्तर प्रदेश की जूम मीटिंग ली गई थी जिसमें एक संघ ऐप आधार परीक्षा आधार सीडिंग उसकी प्रगति जनपद की ठीक ना पाए जाने पर रोष प्रकट करते हुए समस्त बाल विकास परियोजना जनपद आजमगढ़ का वेतन जो है अक्टूबर महीने का तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए स्पष्टीकरण प्राप्त किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। एक संघ ऐप आधार परीक्षा और आधार सीडिंग उसकी प्रगति में 100% पूर्ण करो और आज ही 4:30 बजे तक करो, तथ्यात्मक स्पष्टीकरण भी उपलब्ध कराओ, इसके यहां पर ऑर्डर आए हैं, अन्यथा अक्टूबर महीने का
फांदे रोकने के लिए वहां पर सीडीपीओ लोगों को बोल दिया गया है। तो आप देख सकते हो कि यहां पर एक ये लेटर जारी हुआ। आगे बात करना चाहेंगे, मधु बहन है जो फतेहपुर से आती है और बहन के द्वारा एक ये फोटो ऑल इंडिया को अपनी भेजी गई है। वहीं पर दोस्तों आज का ये वाला वीडियो इसको हम यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब भाई बहनों को आज का ये वीडियो छोटा सा पसंद जरूर आया होगा और उम्मीद ये भी है कि चैनल से आप पहले से जुड़े होंगे। अगर दोस्तों आप पहली बार चैनल पर आए हैं, नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज ऑल इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़ जाइए ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल पाए और आप भी सभी सूचनाओं को समय से ऑल इंडिया पर देख पाए।